श्री आशुतोष जी नकुट रोड सरसावा। ये इधर स्टोर है, स्टोर के चारों ओर बैंड, एक पाइप बाहर निकला हुआ है और एक पाइप ऊपर की ओर खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसकी सप्लाई सीधी इस कमरे कंसील्ड में और कमरे कंसील्ड से सीधा बाथरूम के फैन बॉक्स में। ऐसे ही ये कमरा है, यहाँ पर हमने अलमीरा छोड़कर 2 फुट अलग ली, मतलब 4.5 फुट में यह थोड़ा आउट लगेगी देखने में। तो इस तरीके से इसके चारों ओर कंसील्ड है और चारों ओर बैंड लगे हुए हैं। इधर छज्जे की लाइट है बाहर वाली सड़क की ओर, सॉरी खेत की ओर। और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंसील्ड लगी हुई हैं। ऐसे 2 नंबर की कंसील्ड जो है इससे जुड़ी हुई है बाथरूम के फैन से, और एक डाउन बाहर उतारा हुआ है, एक पाइप बाहर निकाला हुआ है और एक पाइप ऊपर खड़ा किया हुआ है। इस तरीके से इसकी सप्लाई बनी हुई है। ये बड़ा कमरा है, इसके भी चारों तरफ कंसील्ड लगी हुई है और चारों तरफ डाउन लगे हुए हैं इसके। आप पहले उठा दो, अखबार लग जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किचन है, किचन चारों तरफ कंसील्ड, इसके चारों तरफ डाउन। ऐसे फिर तीसरी कंसील्ड है, ये भी फैंस इस कमरे से जुड़ी हुई है। इन सब की सप्लाई बाहर लेंगे। जो जिस कमरे में, बड़े वाले कमरे में खड़ा हूँ, इसकी कंसील्ड सप्लाई होती हुई सीधे वहाँ पर। ऐसे इसकी सप्लाई सीधी घूमती हुई इसके साथ साथ, इनकी इस तरीके सप्लाई है। ये उसकी सप्लाई है, फैन बॉक्स है। इधर फैन बॉक्स सेंटर में नहीं लगा क्योंकि व्यवस्था बन नहीं पा रही थी, लेकिन कंसील्ड लगी हुई है क्योंकि यहाँ बीच में बीम है और एक छोटा सा रास्ता है बस, बाकी सारा हिस्सा इधर खाली पड़ा है टॉप तक। चारों तरफ कंसील्ड, 2 तरफ डाउन इधर का, और इधर भी चारों तरफ कंसील्ड और इसके 3 तरफ डाउन। ये हॉल का है, बाद में सीलिंग होगी इसके अंदर, बाकी फ़िलहाल हमने इसके अंदर कंसील्ड लगा दी है व्यवस्था अनुसार। ऐसे ही इधर हैं, इसमें 2 कंसील्ड लगनी है।
दो कंसील अभी लगनी बाकी रह रही है, बाकी फिर इसके सामने ऐसे कंसीलटों का डिज़ाइन बना हुआ है। ये हमारी तरफ मेन है, इस तरीके से मेन लगी हुई है इसकी, पहले रूम की, दूसरी हॉल का जो हॉल है जिमने वाली साइड में उसकी, तीन नंबर बाथरूम प्लस स्टोर, चार नंबर ड्राइंग रूम, पांच नंबर इस फैन की जो ये लगा हुआ है, और छह नंबर किचन की, ये छह नंबर किचन की।